में फर्जीवाड़ा करने वाले लोग अब खुफिया एजेंसी रॉ के नाम पर भी फर्जीवाड़ा करने से नहीं चूक रहे हैं। अपने फायदे के लिए वे फर्जी रूप से रॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सामने आया। यहां के चौक थाना क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में पकड़े गए युवक के पास से देश की खुफिया एजेंसी रॉ का आई कार्ड बरामद हुआ। उसने खुद को रॉ एजेंट होने का दावा किया है। इसे पुलिस और खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद घंटों पुलिस और खुफिया विभाग परेशान रहा, लेकिन जब इस आई कार्ड की गहनता से जांच की गई तो मामला फर्जी निकला। फिलहाल पुलिस पकड़े गए फर्जी रॉ एजेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। एएमयू में जिन्ना विवाद को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। एएमयू के छात्रों ने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल की अपील की। शासन अध्यक्ष मस्कूर अहमद उस्मानी ने कहा कि एएमयू एसयू मोहम्मद अली जिन्ना या विश्वविद्यालय कैंपस में जिन्ना की फोटो का समर्थन नहीं कर रहा है। छात्रों ने अपनी चिट्ठी के जरिए शिकायत की है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं, न ही अलीगढ़ प्रशासन ने 2 मई को हुई हिंसात्मक घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की है। 13 मई यानी आज दुनिया भर में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहा जाता है कि मदर्स डे सेलिब्रेशन की शुरुआत ग्रीस से हुई है। मदर्स डे का दिन मॉम्स को समर्पित होता है और हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। साल का यह दिन हम सबको अपने माँ के प्रति प्यार जताने का मौका देता है। इस दुनिया में हमें लाने का पूरा श्रेय माँ को ही जाता है, इसलिए साल का यह दिन सिर्फ माँ के नाम है। इस दिन को जश्न के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर आपको भी उनके प्रति प्यार जताना चाहिए। यूं तो माँ के लिए आज तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है और अब भी लिखा जाता है और आगे भी लिखा जाता रहेगा। आज पूरा देश ये दिन अपनी माँ को समर्पित कर रहा है, तो वहीं चारों तरफ सोशल मीडिया पर मदर्स डे का सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है।